join the dots to draw the missing half and then color using a different color for each half and one has been done for you. अच्छा यहाँ पर जो नाम है पहले आपने इस डॉट्स को ज्वाइन करना है ठीक है ताकि ये मुकम्मल पता चल जाए कि ये हाफ डिवाइड हो रहा है ठीक है. आपने इसको जो है पहले लाइन ड्रॉ ठीक है इस हाफ में आपने पहले लाइन ड्रॉ कर देनी है जो आपका मिसिंग हाफ है. हाफ ये फुल नज़र आ रहा है आपको लेकिन ये तो मिसिंग हाफ है लेकिन यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये भी आपको मुकम्मल नज़र आ जाएगा ठीक है. उसके बाद अब ये दोनों हाफ में डिवाइड किए हैं इन्होंने. अब आपने क्या कर देना है इसमें कलर कर देना है इसमें यहाँ पे इसको प्रेसिंग करके इसको ज्वाइन करके इस रॉड को ज्वाइन करके और इसमें डिफरेंट कलर इसमें डिफरेंट जिसके यहाँ पे जैसे मैंने करा था कलर डार्क और इसमें लाइट इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी कलर करना है ठीक है. तो ये काम आपने बुक में ही करना है. उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 96 पे. पेज नंबर है 96. टेक द शेप दैट आर डिवाइडेड टू क्वार्टर. अब यहाँ पर देखें क्वार्टर यानी कि फोर इक्वल पार्ट्स. पहले हमने हाफ देखा था तो हाफ जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है ठीक है टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है. ये फोर पार्ट्स में डिवाइड होगा जैसे आपके पास एक शेप भी दिखाई गई है यहाँ पर केक है और ये केक जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है तो इसलिए इसको क्या बोला फोर क्वार्टर्स. अब यहाँ पर हमें जो टिक करना है वो उस शेप को टिक करना है जिसमें जो फोर पार्ट्स में इक्वल डिवाइड होगा. अब ये देखिए ये टू है इसमें टिक नहीं करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हुआ है और फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. वन टू थ्री ये क्वार्टर नहीं है फोर क्वार्टर नहीं है ठीक है. ये यहाँ पर हम टिक कर देंगे. इसके बाद ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये इसमें टिक नहीं करेंगे. ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है लेकिन ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो यहाँ पर टिक कर देंगे सही है. बस इसमें खाली टिक करना है. एंड सेकंड क्वेश्चन दीज शेप्स आर ऑल कट्स इनटू क्वार्टर एंड कलर ईच क्वार्टर्स इनटू इन आर डिफरेंट कलर देन राइट वन अपॉन फोर वर नेसेसरी. अच्छा यहाँ पे जो है सब में आपने ये मेंशन करना है कि वन अपॉन फोर सही है. यहाँ पे जो है आपने ये मेंशन ज़रूर करना है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वन अपॉइंट फोर जैसे हमने वहाँ पे हाफ हाफ में मेंशन किया था कलर करने के बाद वन अपॉइंट टू इसी तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन करना है वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर ठीक है. ये सारी जो शेप्स हैं ये आपके जो है कट जो हुई हुई हैं वो क्वार्टर शेप में कट हुई हुई हैं यानी कि एक पिक्चर के आपके पास एक शेप के आपके पास फोर पार्ट्स हुए हैं ठीक है और वो भी इक्वल पार्ट्स हुए हैं. अब आपने इसमें डिफरेंट कलर्स करना है. इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखना है वन अपॉइंट फोर लिखना है. अब जैसे यहाँ पे वन अपॉइंट फोर लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे वन अपॉइंट फोर लिखा हुआ है यहाँ पे भी इसी तरीके से सब में वन अपॉइंट फोर लिखना है ठीक है. आपने इसमें कलर कर दिया इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है ये डिफरेंट कलर ले लें सही है. बस एक एक पार्ट इसमें लिखा हुआ है कलर ऑफ ईच क्वार्टर इन डिफरेंट कलर यानी कि यहाँ पर आपने एक क्वार्टर में बस कलर कर देना सही है. वन अपॉइंट फोर के एक क्वार्टर में आपने कलर कर देना है यहाँ पे भी एक में कलर करिएगा यहाँ पे इस तरीके से ठीक है. उसके बाद आ जाइए डिफरेंट डिफरेंट कलर करने सब में. पेज नंबर 94 पेज नंबर 94 में क्वेश्चन नंबर वन है लुक एट दिस शेप एंड हाउ मच हैज़ बीन कलर वन अपॉइंट टू और वन अपॉइंट फोर राइट बॉक्स. यहाँ पर ये एक लाइन है यानी ये लाइन है ठीक है. यहाँ पर इसको इन्होंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया दो हिस्सों में डिवाइड किया. सो यहाँ पर जो कितने में कलर हुआ हुआ है ठीक है डिवाइड कितने पार्ट्स में किया हुआ है इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इसमें टू लिख दिया और कलर कितने में है वन में तो यहाँ पर वन लिख दिया ठीक है. इसी तरीके से इस शेप को देखें यहाँ पर है एक शेप बनी हुई और इसको हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टू ठीक है. और कलर कितने पार्ट्स में हुआ हुआ है एक पार्ट में कलर हुआ हुआ है हमने यहाँ पे लिख दिया वन. इसी तरीके से ये शेप कितने हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है ये देखें वन ये टू ये थ्री ये फोर सही है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फोर और कलर कितने में हुआ हुआ है वन में तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे. इसी तरीके से यहाँ पे फोर पार्ट में डिवाइड हुई है फोर नीचे लिख दिया वन में कलर हुआ हुआ है हमने यहाँ पे वन लिख दिया. इसी तरीके से फोर अपॉन वन यहाँ पे लिख दिया फोर पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ वन से हुआ हुआ है दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है और कलर कितने में वन में इसी तरीके से वन अपॉन फोर आ जाएगा ठीक
ठीक है, ये काम आपने अपनी बुक में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, जॉइन द डॉट्स एंड कलर 1/2 एंड 1/4 द बॉक्स टेल यू विच। अब यहाँ पर आपने यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1/4, तो ये देखिए ये शेप है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने ये करके दिखाया है कि 1/4 इसका मतलब है एक में कलर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये शेप बनी हुई है, अब ये शेप बनी हुई है तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने एक में कलर कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2, अब ये तो चार हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पहले तो इस शेप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पहले आपने इस लाइन से लाइन ज्वाइन कर दिया, सही है। उसमें उसके बाद अब आपने इस साइड पे जो है इस शेप में इस तरह से कलर कर दिया, अब ये देखें ये हो गया वन साइड पे कलर और ये वन साइड में, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ हाफ टू हो गया और कलर कितने में, वन में, सही है। इस तरीके से ये हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा 1/4, 1/4, तो अब आपने यहाँ पे 1/4 में एक फिल कर देना है, ठीक है, ये काम बुक में ही होगा। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर पेज नंबर 98 पर। यहाँ पर जो है हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल डिवाइड हुआ है कितने पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8, नीचे 8 लिख दिया और कलर कितने में हुआ है, 1 में। तो हम इसको बोलेंगे 1/8, क्या बोलेंगे, 1/8, इसको इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, और कलर कितने में, 1 में, तो हम बोलेंगे 1/7, ठीक है, 1/7। अब यहाँ पर आपने इसका सी पार्ट जो है वो खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे बी सी पार्ट आपने अपनी बुक में करना है, ठीक है, बी सी और डी, चारों पार्ट, तीनों पार्ट आपने अपनी बुक में करना है। ए पार्ट उन्होंने करके दिखाया, बी सी डी पार्ट आपने तीनों बुक में करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 99, सही काम आपने अपनी कॉपी में करना है। यहाँ पे देखें, रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन बाय कलरिंग द गिवन शेप करेक्टली। यहाँ पर जो है ये शेप बना हुआ है, ए पार्ट में आपके पास ये शेप बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, देखते हैं आप क्या है, यहाँ पे 2/5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स, इसमें लिखा हुआ है 2 में, यानी कलर करना है। अब यहाँ पे आपने 2 में इसके कलर कर दिए, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स में आपने कलर कर दिया, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 5/8, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है और कलर कितने में करना है, 5 में, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से लिखे यहाँ पर इस तरह से आपने कलरिंग कर दी। तो यहाँ पे मैंने आपको ए और डी पार्ट करके दिखाया, आपने बी पार्ट इसका खुद से करना है, ठीक है। मैंने आपको ए और डी पार्ट करके दिखाया, आपको बी पार्ट खुद से करना है, बाकी पार्ट आप स्किप कर दें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, नेम द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें, अब मैंने आपको नाम भी बताया था कि किस तरह से हम इसको बोलते हैं, 1/8 वाला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1/8, इसको 1 बोलते हैं, इसको 8 बोलते हैं, लेकिन इसको इस तरह से बोलेंगे 1/8, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, 4/5, और इसको हम बोलेंगे 3/6, 5/7, इस तरह से आपने यहाँ पे करना है काम अपनी कॉपी में। 4/5, 4/5, और उसके बाद 3/6, और सी और डी पार्ट आपने खुद से करना होगा, ठीक है। ए बी पार्ट मैंने आपको करके बताया है, सी और डी पार्ट आपने खुद से करना है, यहाँ पे 4/5, 4/5, थर्ड 3/6, ठीक है, इस तरह से करना है। बाकी ई एच, ई से लेके एच पार्ट तक आपको काम नहीं करना है, सही है। ये आपने क्वेश्चन पार्ट स्किप कर दें।
इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 100 है, पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन शेडेड पार्ट एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। ये इन्होंने देखें एक शेप बना हुआ है, इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक में कलर है तो इसमें क्या कर दिया 1/3 लिख दिया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 8 नीचे लिख दिया, कितने में कलर हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर बी पार्ट आपने खुद से करना है, आपने ए डी और बी ये तीनों पार्ट आपने खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया है और ये काम ए डी और बी वाला काम जो आपने बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है, सही है। जो जो काम मैंने आपको कॉपी में करने के लिए दिए हैं वो काम वो पार्ट आपने बुक में भी करना है, और जो काम मैंने आपको स्किप करवा दिया है वो आपको बुक में भी नहीं करना और ना कॉपी में करना है।